नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन फार्मा शेयर के बारे में, उसके लेवल्स और टारगेट के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों इस चैनल पर आपको जो डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स के लेवल्स क्या है, टारगेट क्या है, साथ साथ अब तो हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के भी लेवल्स और टारगेट आपको बीच बीच में बताते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये दोस्तों स्टॉक है फाइजर लिमिटेड, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ट्रेंड लाइन बना रहा है, इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है। साथ ही साथ इसका जो ऑल टाइम हाई है यहाँ पर आप देख सकते हैं 5171, इसको अगर ये क्रॉस करके ये जो मैंने ऊपर का ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है तो देखना ही ये जो लेवल्स है 5250 इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको एक बड़ा मोमेंटम इसमें ऊपर की ओर दिख सकता है। साथ ही साथ आपको मार्केट भी याद रखना पड़ेगा, मार्केट अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड, क्योंकि अभी जो हमारा स्टॉक्स मार्केट है वो इंडेक्स के अनुसार काफ़ी ज़्यादा चलता है, लेकिन फार्मा स्टॉक काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म किया है। लेकिन आपको जो इंडेक्स है निफ्टी है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारा मार्केट किधर जा रहा है। और ये देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है। और जैसे इस लेवल को क्रॉस करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो यहाँ से आपको ऊपर एक ज़बरदस्त मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा ये बेहतरीन स्टॉक, जिसमें आपको सारे लेवल्स और टारगेट आपको याद रखना है। अगर हम वीकली चार्ट पे बात करें, क्योंकि वीकली चार्ट पे हम इसका काफ़ी अच्छा से मतलब तय कर पाते हैं कि हमारा स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पर देख लीजिए वीकली चार्ट पर ये स्टॉक्स लगातार अप ट्रेंड में है, देखते हैं लगातार अप ट्रेंड में। यहाँ से वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, जिस पे चाहे आप पूरी तरह से अच्छी तरह से देख करके तब जा करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से ये ऊपर जाके सस्टेन करता है तो आपको इसमें मतलब बाइंग करना है, पोजिशन बनाना है, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक हमेशा बाइंग है, क्योंकि ये स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है, कंपनी भी काफ़ी बेहतरीन है, बिजनेस भी काफ़ी बेहतरीन है। और यहाँ से जैसे ये ऊपर सस्टेन करता है आप इसमें पोजिशन बना लें, स्टॉप लॉस आपका यही ये जो लाइन है, ये जो लेवल है, इसके जस्ट नीचे रखना है। और मतलब एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपका होगा, और जैसे मतलब ऊपर चलते गया आप स्टॉप लॉस को आप ऊपर बढ़ाते चलेंगे, जैसे ऊपर चलते जाएगा स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते चलेंगे, तो इस तरह से आप अपना प्रॉफिट को जो है सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे पहली बार सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अब बात करें RSI का इंडिकेटर, इंडिकेटर कभी कभी फेल भी होता है, लेकिन इंडिकेटर यहाँ पर देखने काफ़ी ओवरबाउट दिखा रहा है, तो इसलिए आपको यहाँ से एक थोड़ा सा करेक्शन भी देखने मिल सकता है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। या हो सकता है यहाँ से मतलब कंटिन्यू भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा RSI पे डाइवर्जेंस दिख रहा है, तो डाइवर्जेंस दिखने का मतलब होता है कि स्टॉक में थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्टॉक है हमारा, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर डाइवर्जेंस बन रहा है, लेकिन अभी कोई क्लियर डाइवर्जेंस नहीं है। तो अभी स्टॉक हो सकता है ये ऊपर कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि डाइवर्जेंस क्लियर तब होगा जब ये पूरी तरह से हमारा जो RSI है ये नीचे की ओर मुड़ जाए, मतलब इसका स्लोप निगेटिव हो जाए। जब तक निगेटिव स्लोप नहीं होगा तब तक आप इसमें करेक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बात एकदम आपको ध्यान रखना है, जैसे ये अप ट्रेंड यहाँ से चालू करता है आपको पोजिशन बनाना है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ बनाना है। इस वीडियो के द्वारा आप इसमें पोजिशनल ट्रेडिंग करना, स्विंग ट्रेडिंग करना अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो जैसे ऊपर निकलता है पोजिशन बनाना है, स्टॉप लॉस के साथ बनाना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, जब आप पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।